ये गंगा नदी है, और गंगा नदी को लेकर के जो मोदी सरकार है, खास करके वो जैसे ही सत्ता में आई तो गंगा से एक गहरा रिश्ता रहा है मोदी गवर्नमेंट का। क्योंकि जब मोदी सरकार बनना था, उससे पहले जब नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने हमें बुलाया है। और हर बार राजनीति में माँ को लाया गया, कभी अपनी माँ को लाया गया, कभी गाय माँ को लाया गया और कभी गंगा माँ को लाया गया। फिलहाल हम उसी माँ के पास हैं जिस माँ ने नरेंद्र मोदी को बनारस में बुलाया था। और इसीलिए जैसे ही मोदी गवर्नमेंट बनी तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा करने का दावा किया गया वो नमामि गंगे योजना के नाम पर किया गया कि गंगा को साफ रखा जाएगा, क्योंकि एक मुहिम चली थी कि गंगा को साफ करना है। तो गंगा को साफ करने के लिए अब तक 20 अरब 37 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं पूरे देश में, और यह दावा है कि गंगा पहले से साफ हो रही है। कि हम फिलहाल बक्सर में हैं और बक्सर में आए दिन हर एक सप्ताह दो सप्ताह पर कार्यक्रम होते हैं, और वो कार्यक्रम नमामि गंगे के नाम पे होते हैं। उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, गंगा आरती होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, बहुत सारे गोष्ठी और सेमिनार होते हैं। लेकिन जिसके लिए योजना आती बनती है, जिसके लिए जो फंड आता है कि गंगा को साफ करना, वो कितना साफ है, हम उसको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी के अब सामने ये वीर कुंवर सिंह सेतु पुल है, और उसके सामने आप अगर काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मवेशी जो है यहाँ पे जो मर गई है वो यहाँ पे है। अब एक दर्जन पीछे है, हमारे बगल में है, इसके पीछे भी है, कुल मिलाकर के सैकड़ों लाशें जो है, जो मवेशी की लाश है, जो जानवर की लाश है, गंगा नदी में तैर रही है। गंगा माँ तब भी चर्चा में आई थी जब पिछले साल कोरोना था, बक्सर से ही आदमी के जो लाश थे, डेड बॉडी थे, जो कोरोना पीड़ित थे, जो मर जाते थे, उनकी भी लाश यहाँ से तैरी थी। तो पूरे देश में बक्सर उस समय शर्मसार हुई थी, और आज भी आप देख सकते हैं कि बक्सर की दुर्दशा क्या है, खास करके गंगा माँ की दुर्दशा क्या है, क्या स्थिति है। तब जबकि हर दो चार दिन पर यहाँ पे नमामि गंगे के तहत कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, कई गोष्ठियाँ होती है और कई कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सच में अगर जो 20 अरब और 37 करोड़ का जो दावा किया जा रहा है कि जो सरकार ने अब तक खर्च किया है वो किस लेवल पे किया है कि आज गंगा नदी में लोग आने से भी कतरा रहे हैं। हम जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत किए, उनका कहना है कि पहले ऐसा होता था कि हम गंगा स्नान करें ना करें गंगा का आचमन जरूर करते थे। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से तन साफ होता है और उनका जल पी लेने से मन साफ होता है। इसी बात को मानते हुए गंगा में आस्था रखने वाले लोग, तमाम लोग जो गंगा को अपनी माँ मानते हैं, वो जल पिया करते थे, लेकिन आज वो आने से बचते हैं। इसलिए कि आप देख सकते हैं क्या हालात है, कितना प्रदूषण है और कैसे लाशें तैर रही है, कभी इंसानों की लाश तैरती है, कभी जानवरों की लाश तैरती है। हमारे साथ नाविक हैं, हम जिनके साथ हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती है लोगों गंगा में। गरु सब मरे हुए आती है, सब महक रहा है, सब नदी पिलुआ पिलुआ हो जाता है, हम लोग को पानी पीने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी लाशें तैर रही थी लोगों की यहाँ पे, इसी बक्सर में तैर रही थी, और इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सैकड़ों मवेशी तैर रही है। मवेशी तैर रही है सब। तो आप लोग मछली मारते हैं तो क्या ये लोग मछली खरीदते होंगे, क्योंकि इसी बहुत मछली नहीं खरीद रहे हैं, कर रहे हैं कि गंगा की मछली हम लोग नहीं खाएंगे, तो हम लोग का दिक्कत हो रहा है बेचने में, मारने में। अच्छा, सरकार का दावा है कि बहुत सारा फंड आता है नमामि गंगे के नाम पे, गंगा को साफ किया जा रहा है, आप लोग कभी देखे हैं क्या सफाई होती है? नहीं सर, सफाई हम लोग नहीं देखे हैं, यहाँ पर तो गोरु बिक देते हैं, बोलते हैं तो सब मारने के लिए दौड़ते हैं, हैं ग्रामीण लोग। हाँ, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सभी तरह के प्रयास तो किए जा रहे हैं कि गंगा में शुद्धता मेंटेन की जाए, और ये जो बात है मवेशियों के लाशें मिलने का, आप लोगों के माध्यम से ये संज्ञान में आया है, और तत्काल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को और संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले को देखें और ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसकी व्यवस्था की जाए। कि असल में है क्या, धरातल पे क्या है, और अखबारों में और मीडिया में क्या दिखता है, उसमें फ़र्क है। कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कभी यहाँ पे इंसानों की लाशें तैरती थी और आज जानवरों की लाशें तैर रही है। ये नेता, ये सत्ता का एक अलग खेल है कि अपने माँ को भी नहीं छोड़ते हो, चाहे गंगा माँ हो चाहे कोई और माँ हो, क्योंकि माँ के नाम पर बहुत सारी राजनीति होती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है, सत्ता में परिवर्तन तो हो जाता है लेकिन माँ का कितना कायाकल्प होता है। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो नदी हमारे लिए जीवनदायिनी होती है, और उन नदियों का हम कितना केयर करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस गंगा में लोग अब डुबकी लगाने से भी कतराते हैं, इनका जल पीने से भी कतराते हैं। आस्था का विषय है तो आज भी लोग पी लेते हैं, नहा लेते हैं, लेकिन असल में गंगा माँ अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही है। मैं विमल कुमार, बक्सर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल इट इज फिनिश्ड। इफ यूजफुल टू यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।